Hello students, this is BS Academy Classes presented by Sandeep. Students, आज के इस लेक्चर में हम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के एक टेस्ट को चेकआउट करेंगे. इससे पहले हम 5 टेस्ट लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन के अपलोड कर चुके हैं इंग्लिश स्क्रिप्ट पर, आप देख सकते हैं, और वो जो चैनल BS Academy चैनल है उस पर अपलोड किए जा चुके हैं. इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है किसी भी प्रिपरेशन के मोड में तो आप हमारे ईमेल आईडी पर हमें मेल कर सकते हैं. हमारा ईमेल आईडी जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में भी हमने काफ़ी चीज़ें शेयर की हैं, तो अगर किसी स्टूडेंट्स को या किसी कैंडिडेट को उन्हें शेयर करना है या उस पर मेम्बर बनना है तो आप हमें अपना ईमेल आईडी अपने मेल से मुझे मेल करिए, मैं उस पर आपको उसके जो नंबर हैं वो आपको शेयर कर दूंगा. क्योंकि मैं पब्लिकली किसी भी नंबर को ना तो आप अपना शेयर करें यूट्यूब कमेंट सेक्शन में, ना हम करें वो अच्छा है, क्योंकि ये एक तरह का सिक्योरिटी थ्रेट है. चलिए आगे के इस लेक्चर में जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं. इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभी फॉर्म्स जो हैं, आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, वो निकले हुए हैं. लास्ट डेट बहुत जल्दी आ रही है, आप पहले उसको उनको फॉर्म को फिलअप कर दीजिए. अदरवाइज लास्ट मोमेंट में अगर आप वेट करेंगे, लास्ट मोमेंट में सर्वर बिजी रहता है और काफ़ी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है बहुत से लोगों को, तो उस तरह की कोई परेशानी ना आए इसलिए अभी आप फॉर्म को फिलअप कर दीजिए. इसके अलावा केवल 3.5 महीने बचे हैं, 3 से 3.5 महीने बचे हैं, तो जितना प्रिपरेशन कर सकते हैं अच्छी तरह प्रिपरेशन कीजिए. 1 जुलाई का जो डेट है, क्योंकि किसी भी डेट को जो एक तरह से जो फिक्स डेट होती है वो बहुत जल्दी आती है, तो आप इसको प्रिपरेशन करना अपना स्टार्ट कर दीजिए. ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने, लिस्ट 1 दे रखी है, लिस्ट 2 है, पैरेटो चार्ट है, फिश बोन डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, चेक शीट है, लिस्ट 2 है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेजेस इन अ प्रोसेस, टूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग द वेरिएबल्स, आइडेंटिफाई द इंटेंसिटी ऑफ ईच प्रॉब्लम इन द प्रोडक्शन लाइन, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफेक्ट और प्रॉब्लम्स एंड देयर रूट कॉजेज. तो फ्लो चार्ट का मतलब क्या होता है, फिश बोन डायग्राम क्या होता है, पैरेटो चार्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. ऑल्दो ये मैनेजमेंट के टूल्स हैं ये एक तरह से बोला जाए, बट ये आपकी लाइब्रेरी साइंस में ये बहुत यूजफुल है. तो इनके ऑप्शंस हमारे पास कोड्स दिए गए हैं, मैं ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा आपके लिए. तो आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है. तो अगर आप देखें कि फ्लो चार्ट जो होता है एक तरह का एक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम डिफरेंट तरह की जो स्टेज होती हैं उसको बनाते हैं, तो अगर बोला जाए कि देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो मैंने आपके अपने आप अभी अभी आपको बोला, तो काफ़ी चीज़ें आपकी यहीं से क्लियर हो जाती हैं कि क्या होते हैं. उसी तरह से ईच प्रॉब्लम की जो प्रोडक्शन लाइन में जो है वो क्या होती है ये भी आपको इसमें पता पड़ जाएगा, और आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन द डिफेक्ट और प्रॉब्लम एंड देयर रूट कॉजेज, ये भी आपको काफ़ी एक बहुत फेमस डायग्राम है वो, तो उसका वो एक तरह से बोला जाए मेरे सामने ही मौजूद है, आपके सामने भी है, बट ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपको ध्यान में रखनी है कि क्या क्या इसके सामने आते हैं. तो आंसर इसका निकालने की कोशिश करिएगा, और अगर नहीं आता है तो फाइंड आउट करने की कोशिश करिएगा. क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. लिस्ट 1 में बोला जाए न्यू जनरेशन लाइब्रेरी, LIBSYS, कोहा एंड ओपन बिब्लो. लिस्ट 2 है 1984, 2000, 2005, 2002, यानी एक तरह से देखा जाए कौन सा सॉफ्टवेयर किस ईयर में बना था मैच करना है हमें, जेट सेट. ओके, और ये सारे के सारे लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर हैं और हमें करेक्ट कोड को हमें बताना है. तो कोड हमारे सामने है, BABCD हमारे लिखा हुआ है, तो करेक्ट कोड बताने, मैं कोई कोड्स को नहीं पढ़ूंगा, आप इनको मैच द फॉलोइंग इनको करके देखिएगा, बस सॉल्व करने की कोशिश करिएगा. क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, ये क्वेश्चन पहले भी टेस्ट में डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं ये. तो क्वेश्चन नंबर लिस्ट 1 में दिया गया है गुजरात पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, छत्तीसगढ़ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट और गोवा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट. कौन सा एक्ट किस ईयर में आया था ये बताना है. लिस्ट 2 में दिया गया है 1965, 1993, 2009 या फिर 2001. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 4 तो देखें अगर हम, तो इसमें है कि की टू गिवन कलेक्शन, की टू लिटरेरी सोर्स ऑन अ सब्जेक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट,
कंडेंसेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, तो एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट टू में दिया गया एब्स्ट्रैक्ट, इंडेक्स, कैटलॉग, बिब्लियोग्राफी, करेक्ट ऑर्डर मैच करना है इसका हमें, करेक्ट सीक्वेंस मैच करना है, आप करके देखिएगा। क्वेश्चन फिफ्थ हमारे सामने है, लिस्ट वन में ए ए सी आर सेकंड के कुछ टर्म्स के बारे में बताया गया है, उसी तरह से लिस्ट टू में कनेक्टिंग सिंबल्स हैं, द साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन प्लेस एंड द नेम ऑफ पब्लिशर एंड डी इज अकॉम्पनिंग मटेरियल। तो लिस्ट टू में है कॉलन प्लस सेमी कॉलन और डायगोनल स्लैश, सेम सारे के सारे जो क्वेश्चन इसमें हमने एज द फॉलोइंग काइंड ऑफ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, तो सभी इसी तरह से क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, फैसेट, प्लाजोस एंड ए पी यू पी ए, और ये किसने किस साइंटिस्ट ने या किस पर्सनैलिटी ने इनको बताया था, उनके का नाम भी लिया है, जे एचिनसन, एस आर रंगनाथन, जे डी ब्राउन या फिर जी भट्टाचार्य, और इसके हमारे पास कोट्स दिए गए हैं, आप कोट्स को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा इनमें समझाने लायक है नहीं, क्लासिकल स्कूल, एक्स एंड वाई थ्योरी, नेवेक चार्जिंग सिस्टम एंड एम बी ओ, किन लोगों ने बताया था, इसमें नाम भी लिखे हैं, जॉन कॉटन डेना, हेनरी फ्योल, पीटर ड्रकर और डगलस मैग्रॉ, तो ये नाम है हमारे और हमें बताना है इसके बारे में और किस पर्सनैलिटी ने बताया था। और मैक्सिमम जो देखिए आपकी जो लाइब्रेरी में काफी नाम ऐसे हैं जो मैनेजमेंट थ्योरी से रिलेटेड है, या हमें बोला जाए मैनेजमेंट में उन्होंने काफी काम किया है, तो मैनेजमेंट प्लस लाइब्रेरी की कुछ ऐसे साइंटिस्ट या पर्सनैलिटी का आपको ध्यान हमेशा रखना है, मैंने पहले भी आपको बोला था। और पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चन कम से कम 5 से 8 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। अब पेपर अब जैसे अब इस बार पेपर जो है एक ही कॉमन हो गया, तो हो सकता है क्वेश्चन की संख्या की बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है, लिस्ट वन में इंडियन साइटेशन इंडेक्स INSPEL रेट्रोस्पेक्टिव 1970, मिड इंड इंडियन एनिमल साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स, और ये लिस्ट टू में है ICMR, ICAR, डीवा एंटरप्राइजेस दिल्ली और NASDOC, NASSDOC, ओके DOC, तो हमें करेक्ट ऑर्डर मैच करना है अगेन इसको, और इसको आप देखिएगा। और इसके क्वेश्चन का मैंने बताया था आपको, अगर आपको एक भी इसका ऑप्शन आता है, जैसे आप देखिए ए में एक आंसर सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी, फर्स्ट भी या फोर्थ भी, अब इनमें से अगर आपको एक भी चीज आती है ना, तो उसका ऑर्डर आपको याद है तो आप इसके आंसर को लगा सकते हैं, तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन को लगाने की जरूरत नहीं, अगर आपको एक भी चीज इसमें से आती है तो हम इसको आंसर को लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लिस्ट वन में नॉलेज इकोनॉमी, डॉक्यूमेंटेशन, इंफॉर्मेटिक्स, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, लिस्ट टू में मतलब चैनिया एंड रशियन नाम है, बड़ा मुश्किल है इनका प्रोनाउंसिएशन करना, कैल्विन मॉर, पॉल ऑटलेट एंड पीटर ड्रकर, तो फिर से पीटर ड्रकर जो कि मैनेजमेंट के गुरु माने जाते हैं, मॉडर्न गुरु माने जाते हैं, और काफ़ी इन्होंने मैनेजमेंट से रिलेटेड काफ़ी थ्योरी को बताया है, तो मैनेजमेंट पीपल और लाइब्रेरी पीपल दोनों के लिए बहुत ये जरूरी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने, लिस्ट वन है बिब्लियोग्राफी, बायोग्राफी, स्टैटिस्टिकल सोर्स और न्यूज़पेपर डाइजेस्ट, अब इसके बारे में बताया गया है, नंबर ऑफ पीपल रिसेंटली डाइड ऑफ डेंगू इन दिल्ली, ओके, नंबर ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ बुक, नंबर ऑफ सिबलिंग्स ऑफ महात्मा गांधी और नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल इन मुंबई, तो ये हमें एक तरह से मैच कराना है इसमें, कैसे किस सोर्स को हम कहाँ पे मैच कराएंगे। अब नंबर ऑफ सिबलिंग्स इन ऑफ महात्मा गांधी जो है हो सकता है बायोग्राफी से रिलेटेड हो, ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और न्यूज़पेपर डाइजेस्ट किससे हो सकता है, तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है, बिब्लियोग्राफी नंबर ऑफ बुक्स से भी हो सकता है, स्टैटिस्टिकल सोर्स जो है वो नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल से भी हो सकता है, तो मैंने एक तरह से आपको हिंट दे दिया, अब आप देखिएगा कि क्या क्या हो सकता है, तो क्योंकि बहुत इजी है इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इजी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने, लिस्ट वन में है एशिया, बुक सिलेक्शन, माइक्रोफिल्म्स, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, लिस्ट टू में है मैटर, पर्सनैलिटी, एनर्जी और स्पेस, मैच कराने की कोशिश करिएगा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट वन में बस अल्फाबेट दे दिए हैं, पी के डब्ल्यू एन, लिस्ट टू में कॉन्फ्रेंस, इंसाइक्लोपीडिया, बायोग्राफी और सीरियल्स, किस को हम किस किस
अल्फाबेट से डोनेट करते हैं या फिर उससे उसका कोई रिलेशन है तो हमें बताना है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 13, लिस्ट वन लिस्ट टू। लिस्ट वन में Z39.2, Z39.4, Z39.9 एंड Z39.14। लिस्ट टू में है गाइडलाइंस फॉर एब्स्ट्रैक्ट ISSN, गाइडलाइंस फॉर इंडेक्सेस एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल डिवाइसेस, इंफॉर्मेशन फॉर इंटरचेंज फॉर्मेट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 है, लिस्ट वन में वेब 1.0 बोलो, जीरो बोलो, वैसे आप लिख बोल सकते हैं, वेब 2.0, वेब 3.0, वेब 4.0, आप बताना है इसमें हमें कौन सा लिस्ट में वेब में कौन सा एक तरह से वर्क हुआ है। पीपल सेंट्रिक एंड पार्टिसिपेटिव बायो डायरेक्शनल, लिंकिंग एंड इंटीग्रेटिंग ग्लोबल फाइल्स, मैन मशीन इंटरेक्शन विद क्रिटिकल मास ऑफ पार्टिसिपेशन एंड यूज ऑफ AI, ये बहुत लेटेस्ट है राइट नाउ, तो हो सकता है कि वेब 4.0 से रिलेशन रखता हो। मैंने आपको थोड़ा हिंट दे दिया है, आप कोशिश करिएगा एक बार। स्टैटिक एंड मोनो डायरेक्शनल, स्टैटिक है और मोनो डायरेक्शनल है, बहुत पहले की बात है, तो पहले की बात में हो सकता है वेब 1.0 का हो सकता है। ओके, मैंने बस बताया आपको, हो सकता नहीं कि इसका करेक्ट आंसर यही हो। ओके, तो आप कोशिश करिएगा इन सभी के आंसर को देखने की। लास्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन, लिस्ट नंबर 1 है, टाइप ऑफ रिसर्च के बारे में है इसमें, और फॉर्मलाइज रिसर्च, कंसेप्चुअल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च। लिस्ट 2 में है इंटरप्रिटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, सर्वे एंड फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज, फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी एंड सब्सटेंशियल स्ट्रक्चर एंड हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड। ऑप्शन हमें दे रखे हैं, तो बहुत ईजी है, आर एम से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने काफी क्वेश्चन डिस्कस किए, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे इसके कीवर्ड्स को भेजा करके आप इसके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, और अगर किसी भी तरह की कोई डाउट है या कोई आपको सजेशन देना है तो हम हमारी ईमेल आईडी पर हमें मेल कर सकते हैं। आपको ईमेल आईडी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन करिए, और किसी भी तरह की अगर कोई परेशानी आती है तो हमें बताइए, हम जरूर उसका सुझाव कोई देखेंगे। और आप मेल से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के नंबर्स को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, लिंक मैं आपको भेज दूंगा। इसके अलावा काफी चीजें, काफी इमेजेस मैंने अपलोड करी है व्हाट्सएप पे, साथ में टेलीग्राम ग्रुप पे, उसको भी मैं आगे और भी शेयर करता रहूंगा। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।